हेलो वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी हाइट्स पर। मैं हूं केएस तोमर। दोस्तों, आज की वीडियो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इग्नू एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं या प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं, यानी दिसंबर 2021 सेशन के एग्ज़ाम आने वाले हैं। मैं उन सभी स्टूडेंट को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो मैंने पर्सनली खुद यूज़ करी हैं, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे। सो वन बाय वन मैं आपको सभी टिप्स वो बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि ये टिप्स सिर्फ दिसंबर 2021 एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट के लिए है। आप कभी भी इग्नू का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी और ईजीली आपके एग्ज़ाम क्रैक हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं टिप नंबर वन की तरफ। तो सबसे पहली टिप और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब भी आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एक सही एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है। क्योंकि जब भी आपको एग्ज़ाम फॉर्म करने का मौका मिलेगा तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर के लिए चॉइस पूछी जाएगी कि आपको कौन सा एग्ज़ाम सेंटर लेना है। आपको वहाँ पर दो चॉइस या कभी तीन चॉइस भी देखने को मिल सकती हैं, बट आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी, यानी जो आपकी फ़र्स्ट एग्ज़ाम सेंटर की चॉइस होगी, वो आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम सेंटर से आपके मार्क्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, बट ऐसा नहीं है। आपका एग्ज़ाम सेंटर भी आपके मार्क्स को अफेक्ट करता है, तो इसलिए सही एग्ज़ाम सेंटर आपको चूज़ करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूँ सही एग्ज़ाम सेंटर कैसा होता है। अगर आप प्रिपेयर करके अच्छे तरीके से जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको सही एग्ज़ाम सेंटर मिले, तो आप ऐसा एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करें जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर कभी चीटिंग नहीं होती है या किसी तरह का वहाँ पे टाइम को लेकर कोई प्रॉब्लम ना होती हो। क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम सेंटर ऐसे आपने देखे होंगे जहाँ पर बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराया जाता है, किसी तरह की कोई चीटिंग नहीं होती है। क्योंकि जब आप डिस्टर्बेंस वाले माहौल में बैठेंगे, एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और आप एग्ज़ाम अच्छे से नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम सेंटर ऐसा चूज़ करें जहाँ पर डिसिप्लिन हो और जहाँ पर कभी भी किसी भी तरह का कॉपी का कोई भी केस ना आया हो, ताकि आप इजीली आराम से अपना एग्ज़ाम लिख सकें। बट उन स्टूडेंट की अलग बात है जो चाहते हैं कि उनका एग्ज़ाम सेंटर ऐसा हो जहाँ पर इजीली चीटिंग कर सकें, तो उनके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, वो उनका अपना मैटर है। सो फिलहाल मेरी टिप नंबर वन यही है, चूज़ राइट एग्ज़ाम सेंटर व्हेन यू आर फिलिंग योर एग्ज़ाम फॉर्म। सो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है आपके क्वेश्चन पेपर को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इग्नू के क्वेश्चन पेपर दो लैंग्वेज में आते हैं, हिंदी और इंग्लिश। किसी के पास हिंदी मीडियम है, किसी के पास इंग्लिश मीडियम है, बट आपको आइडिया नहीं होगा आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम इग्नू में एग्ज़ाम देने वाले हैं। जो इग्नू में फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर या सेकंड ईयर में एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको तो पता होता है कि किस तरह का पैटर्न इग्नू फॉलो करेगा, उनके सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम किस तरह का आने वाला है, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे। ये पूरा एग्ज़ाम पैटर्न आपको जब ही पता चलेगा जब आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा। तो इसलिए जब भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर चेक करें कि किस तरह से एग्ज़ाम का पैटर्न है, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के आने वाले हैं। ये सभी चीज़ें आपको ज़रूर चेक करनी है, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाएगी। अदरवाइज़ आप जब एग्ज़ाम देने पहुँचेंगे बिना क्वेश्चन पेपर देखे, तो आपको हो सकता है वहाँ जाके आप शॉक्ड हो जाएँ कि और आपको पता चले कि आपका किस टाइप का पेपर है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर पे फोकस ज़रूर करें। लास्ट 1-3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर डाउनलोड करें और उनसे अपना आइडिया लें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम के टाइम पर बिल्कुल भी ना हो। देन अब बात करते हैं टिप नंबर थ्री की। टिप नंबर थ्री जो मैं आपको दूंगा वो ये है कि मस्ट रीड योर टेक्स्ट बुक, यानी कि जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसको आप ज़रूर पढ़ें। अगर आपके पास टाइम है, प्रॉपर समय आपको मिल रहा है स्टडी करने का, और आपने एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले स्टडी स्टार्ट करी है, सो आप बुक्स को पढ़ सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। क्योंकि बुक्स में से पढ़ने के काफ़ी सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। क्योंकि अगर आप इग्नू की स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का ओवरव्यू मिलेगा कि किस तरह से किस चैप्टर में क्या चीज़ें दी गई हैं, सभी सेंटेंस। और सबसे अच्छी बात यह है बुक पढ़ने की कि आपको पेपर की आपके प्रॉपर लैंग्वेज पता चल जाएगी, किस लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा, यानी किस वे में आपको अपना एग्ज़ाम लिखना है। क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें टेक्निकल टर्म्स यूज़ होती हैं, तो उसके लिए आपको
अपनी टेक्स्ट बुक से ही आइडिया होगा कि किन टेक्निकल टर्म्स में आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। तो सभी के लिए अलग अलग बुक्स हैं, सभी के लिए अलग अलग टिप्स हैं। सो मोस्टली उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनके सब्जेक्ट साइंस से रिलेटेड हैं, वो सभी स्टूडेंट बुक टेक्स्ट बुक को जरूर स्टडी करें ताकि उनको अपने एग्ज़ाम का ओवरव्यू और सभी क्वेश्चंस इजीली अच्छे से समझ में आ सकें और उनको पता चल सके किस तरह से उनको अपने आंसर्स देने हैं। देन अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे आप इग्नू से कोई भी कोर्स कर रहे हों और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। यह है आपके असाइनमेंट को लेकर। आपको अपने असाइनमेंट खुद सॉल्व करने चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि असाइनमेंट सॉल्व करने से आप अपनी प्रिपरेशन का 30% काम पहले से ही कर लेते हैं, बाद में आपको सिर्फ 70% तैयारी ही करनी बाकी रह जाती है। तो इसलिए असाइनमेंट आप जब भी बनाएं, आप कोशिश करें कि आप कहीं से कॉपी करके ना बनाएं, खुद उन्हें टेक्स्ट बुक की हेल्प से, गूगल की हेल्प से या किसी भी सोर्सेज से आप उनके आंसर कलेक्ट करें। क्योंकि जब आप कोई चीज़ ढूंढते हैं तो आप उसे पढ़ते भी हैं और आप उसको समझते भी हैं। तो इसलिए असाइनमेंट जब भी बनाएं, अपने आप बनाएं, बिल्कुल भी कॉपी करके ना बनाएं। इससे आपको दो बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट कि आपको आपके असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। एंड सेकंड बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में होगा कि आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम टाइम में आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। देन उसके बाद नेक्स्ट टिप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप जब भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, आपके पास 4 या 5 सब्जेक्ट अगर होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको उनके लिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना होगा। यानी कि आप एक छोटा सा टाइम टेबल जरूर बनाएं। अगर आप 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उन 4 सब्जेक्ट के लिए इक्वल टाइम निकालें। पर डे आपको कितने घंटे या कितना टाइम एक सब्जेक्ट को देना है, तभी आप उसको सक्सीड हो पाएंगे। क्योंकि अगर आप पंचुअल नहीं होंगे और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम नहीं देंगे, तो हो सकता है आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट फंस जाएगा, यानी उसमें बैक आ सकती है, जिसमें आपको दोबारा एग्ज़ाम देने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए कभी भी अगर आप 4 या 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो कोशिश करें सभी सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दें, इक्वल स्टडी करें। ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट को आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, किसी को कम। ऐसा करने से आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। जिस भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें 100% करें ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे पाएँ। देन उसके बाद लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहता हूँ और ये काफ़ी हेल्पफुल टिप है, क्योंकि लास्ट 2 से 3 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया है इस टिप को स्टूडेंट फॉलो करते आ रहे हैं, जो कि है गैस पेपर को लेकर। जैसा आप सभी जानते होंगे, हमारे स्टूडेंट अड्डा चैनल पर भी मैं गैस पेपर प्रोवाइड कराता था और यहाँ पर भी मैं गैस पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। उन गैस पेपर को अगर आप हमारी वेबसाइट से या हमें मेल करके उन्हें परचेज़ करते हैं और आप उनको फॉलो करते हैं, यानी कि उनको कंप्लीट स्टडी करके एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका रिज़ल्ट तो अच्छा होता ही है और पास होने की उसमें 100% गारंटी भी आपको मिल जाती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट 2 से 3 साल में जितने भी स्टूडेंट ने हमसे गैस पेपर परचेज़ किए हैं, उनके काफ़ी अच्छे रिव्यू यानी काफ़ी अच्छे कमेंट्स हमें मिले हैं। तो उसी वजह से इसको हमने कंटिन्यू किया है। अदरवाइज़ अगर रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलते तो हम इसको कंटिन्यू नहीं करते। सो अगर आप भी गैस पेपर परचेज़ करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है प्रॉपर स्टडी करने का और आपको कुछ ही दिनों में अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, यानी आपको एग्ज़ाम में पास होना है और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो आप इन गैस पेपर की हेल्प ले सकते हैं। लास्ट मिनट स्टडी में ये गैस पेपर आपके लिए रामबाण साबित होंगे और डेफिनेटली आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और सभी टिप्स आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और अगर गैस पेपर के रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप हमारी ईमेल आईडी studentadda@gmail.com पर भी हमें कॉन्टैक्ट या मेल करके गैस पेपर के लिए संपर्क कर सकते हैं। सो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम इग्नू स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो सभी भी सब्सक्राइब कर लें और आने वाले सभी इंपॉर्टेंट अपडेट उन सभी को और आपको टाइम पर मिलती रहे। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।